4.3 मृदा। जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। चट्टाने गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती या घिसती हैं, जिससे बारीक कण अलग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती हैं और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ति, खपरा आदि निर्माण में भी किया जाता है। ग्रामीण भारत में मकानों की दीवारें, दीवारों एवं फर्श की लिपाई पुताई मिट्टी से किया जाता है। अगर आप कभी मकान के नींव या कुआं खुदते हुए देखें तो पाएंगे कि मिट्टी जमीन पर कई परतों में बिछी हुई है। मृदा की इन क्षैतिज परतों को मृदा परिक्षेदिका कहा जाता है। मृदा की परतों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जैविक परत, खनिज परत एवं आधार परत। नीचे दिए गए चित्र को देखें, उसमें सबसे नीचे आधार चट्टान की परत दिख रहा है जिसे आर परत कहा गया है। इसी आधार चट्टान के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके ऊपर क्रमशः सी, बी, ए और ओ परत है। जैविक परत, यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें ओ और ए सम्मिलित हैं। ओ परत में पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अपघटित अंश मिला होता है जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। इसके नीचे ए परत होती है जो खनिज परत होती है, किंतु यह ओ परत से अधिक प्रभावित होता है जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियां उगती हैं, इस कारण यह परत बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हो या कचरों का निस्तारण, सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं। खनिज परत, यह बीज की परत होती है जिसमें बी परत सम्मिलित है। यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। उदाहरण स्वरूप, टमाटर के पौधे की जड़ जैविक परत तक सीमित रहती है जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिज परत तक जाती है। आधारी परत, यह सबसे निचली परत है। इसमें सी और आर परत सम्मिलित हैं जिसमें आर आधारी चट्टान होती है जिसके विखंडन से सी परत का निर्माण होता है। भारत में मृदा का वितरण, अपने देश में मुख्य रूप से छह तरह की मृदाओं का फैलाव है। इनमें प्रमुख है जलोढ़ मृदा जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। यह अत्यंत उर्वरा मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास, गेहूं आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान
और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व बह जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर्वत पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। मानचित्र 2.1 भारत में विभिन्न प्रकार के मृदा का वितरण दिखाया गया है।